नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। विश्व के देशों को भारत दीआं बंदरगाहां ते जलमार्गों विच निवेश करन दा सद्दा दिता। केंद्रीय सड़की आवाजाई ते राज मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रियल टाइम निगरानी प्रणाली का किया उद्घाटन। कहा टोल प्लाजिया ते इलैक्ट्रॉनिक कलैक्शन विच वड्डा सुधार आया है। भारत भारी सोके नाल जूझ रहे मडगास्कर नूं 1000 टन चौल ते दवाइयां दी खेप भेजेगा। देश विच हुण तक 1,48,00,000 तों वध लाभपात्रियां नूं कोविड टीका लगाया गया है। सेहत मंत्रालय अनुसार कोविड तों ठीक होण वाले मरीजां दा अंकड़ा 1,08,00,000 दे करीब। केंद्र वल्लों लोकां नूं जेनरिक दवाइयां दी वरतों बारे जागरूक करन लई तीजा 7 दिना जन औषधी दिवस प्रोग्राम कल तों शुरू हो गया है। देश दे 734 ज़िलों में स्थित 7,400 स्टोरों तो लोगों को किफायती दरों पर उपलब्ध करवाई जा रही ने जेनरिक दवाइया। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग और बुनियादी ढांचा विकास को हुलारा देने पर जोर दिया। पंजाब कैबिनेट वालों सूबे में नजायज़ के नकली शराब के कारोबार को खत्म करने पंजाब आबकारी एक्ट 1914 सोध में हरी झंडी। नकली शराब पीने नाल मौत होने ते दोषी नू मौत की सज़ा के नाल नाल 20,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की तजवीज़। तो हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। तीन दिनों तक चलण वाले इस सम्मेलन का आयोजन बंदरगाहां जहाज़ राणी और जल मार्ग मंत्रालय वालों किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके अपने संबोधन में विश्व के देशों को भारत दीआं बंदरगाहां ते जल मार्गों ते प्रोजैक्टों में निवेश करन दा सद्दा दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अपना शानदार समुद्री इतिहास है और समुद्री तटा तो ही भारत के सभ्याचार का विकास होया है। उन्होंने कहा कि विश्व के देशों को भारत की विकास यात्रा का साझीदार बनना चाहिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार का 2030 तक देश में 23 जल मार्गों को शुरू करने का टीचा है। मोदी ने इस मौके ई बुक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जारी की। डेनमार्क तीन दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारत का साझीदार है। सम्मेलन में भारत समेत वख-वख देशों वालों 400 तो वध प्रदर्शनकारियां लगाई गई ने। आवर लीडिंग फोकस एरिया इनक्लूड्स अपग्रेड करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, create next generation infrastructure, boost the reform journey. Through these steps, we aim to give strength to our vision of Atmanirbhar Bharat. Friends, when I talk about upgrading current infrastructure, I give great importance to improving efficiency. केंद्रीय सड़की आवाजाई और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नवी दिल्ली में रियल टाइम निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि फास्टैग के लागू होने टोल प्लाजिया से इलैक्ट्रॉनिक कलैक्शन में सुधार आया है और ईज़ ऑफ डूइंग व्यापार में वाधा होया है। उन्होंने कहा कि इस नाल समय और तेल की भी बचत हुई है। सरकार ने 15 फरवरी तो फास्टैग लाजमी कर दिता सी और बिना फास्टैग वाली गड्डिया तो देश भर में इलैक्ट्रॉनिक टोल प्लाजिया से दुगना टोल प्लाजा वसूल किया जाना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2025 तक देश भर में सड़क हादसों की गिनती अध तक लिया तरीकों काम कर रही है। उन्होंने दसिया कि चालू माली साल के 11 महीनों में देश भर में 11,000 किलोमीटर तो वध राष्ट्रीय सड़कों का निर्माण किया गया है। आप अडोप्ट करो और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ईज ऑफ बिजनेस को इम्प्रूव करना, तो ये हमारा हुआ है। अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन बीच में देखा था और हम उसमें काम कर रहे हैं कि GPS रहेगा हर गाड़ी में और सैटेलाइट से लिंक होगा ऊपर से, और टोल नाके रहेंगे नहीं, आप वो पाइप पर ऐसे कैमरे लगे रहेंगे और एंट्री करने के बाद वहां से रजिस्टर होगा, जहां से निकलोगे वहां से उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा, कोई रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं।
भारत मडगास्कर 1000 टन चौलों और क्लोरोक्वीन दिया 1 लाख बोरिया की खेप भेजेगा। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दिंदिया कहा कि भारी सोके कारण मडगास्कर के दक्षण विच पैदा हुए मनुखी संकट नूं देखदिया भारत ने चौल और क्लोरोक्वीन दिया बोरिया भेजन का फैसला लिया है। मंत्रालय ने कहा कि इन्हां चीज़ों की खेप भारतीय समुद्री बेड़े INS जल अशव राही भलके भेजी जाएगी, जो इस महीने 21 से 24 तारीख विचाले मडगास्कर की अहोला बंदरगाह से पहुँचने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बारे मडगास्कर के विदेश मंत्री डॉक्टर टी जैकोबा AS ओलिवा नूं टैलीफोन पर जानकारी दी। टैलीफोन पर हुई अपनी गलबात दौरान डॉक्टर जयशंकर ने दोहां देशों विचाले दोस्ती के दुवल्ले शानदार संबंधों का जिक्र किया अते कहा कि भारत मडगास्कर दे लोकां दी हर तरह नाल सहायता करन लई तैयार है अते संकट दी इस घड़ी विच उहनां नाल खड़ा है। दोहां मंत्रियां ने गलबात दौरान आपसी हितां दे मुद्दियां ते भी चर्चा कीती। देश विच हुण तक 1,48,54,136 लाभपात्रियां नूं कोविड टीका लगाया जा चुका है। इन्हां विच 5,52,639 उह लाभपात्री भी शामिल ने जिन्हां नूं बीते दिन कोविड दा टीका लगाया गया है। देश में कोविड तो ठीक होने की दर 97.07% बनी हुई है। बीते 24 घंटों दौरान 12,464 लोग ठीक हुए ने, जिस नाल ठीक होने वाले मरीजों का अंकड़ा 1,07,98,000 तो उपर हो गया है। सेहत मंत्रालय ने कहा है कि बीते 24 घंटों दौरान 12,286 नवे मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिन्हों पुष्टि वाले कुल मरीजों की गिनती 1,11,00,000 तो वध गई है अते पिछले 24 घंटों दौरान 91 व्यक्तियों की मौत हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वेले देश विच कुल एक्टिव मामले 1,68,358 ने, जो पुष्टि वाले कुल मामलों का 1.51% बनता है। मंत्रालय अनुसार हुण तक देश विच 1,57,248 व्यक्तियों की मौत हुई है। देश विच जेनरिक दवाइयां दे इस्तेमाल बारे लोगों को जागरूक करने ते केंद्र वालों म्यारी अते किफायती सेहत सेवावां प्रदान करने लई कीतियां गईयां पहलकदमियां बारे जानकारी देने लई तीजा जन औषधि दिवस प्रोग्राम कल तो शुरू हो गया है। इस हफ्ते तक चलण वाले ये प्रोग्राम 1 मार्च तो 7 मार्च तक चलेगा अते इस दौरान आयुष्मान भारत सेहत बीमा अते प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अधीन देश भर विच सेहत निरीक्षण कैंप लगाए जाणगे। एक सरकारी बुलारे ने नवी दिल्ली विच कहा है कि इन कैंपां विच ब्लड प्रैशर शूगर के पद्धर की जांच तो इलावा डॉक्टरों वालों मुफ्त सलाह और फ्री दवाइया वंडन के कैंप शामिल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश गरीबों और सहूलतों तो वांझे लोगों को किफायती दरों से म्यारी दवाइया उपलब्ध कराना है। पिछले साल हफ्ता भर चले जन औषधि दिवस प्रोग्राम 15 लाख तो वध नागरिकों ने हिस्सा लिया। देश के 734 जिलों में जन औषधि के 7,400 स्टोर ने, जिन्हों तो लोगों को किफायती दरों से दवाइया उपलब्ध करवाई जा रही ने। पिछले माली वरे दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अधीन 433.61 करोड़ रुपए दवाइया की बिक्री हुई सी अते इस नाल देश दे आम लोगों 2,500 करोड़ रुपए की बचत हुई सी। जन औषधि स्टोर तो मिलने वाली दवाइया तो औसत मार्केट मुल नालों 50 से 90% तक सस्तियां होंदिया ने। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि देश भर में विद्यार्थियों तक पहुँच लई ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग अते बुनियादी ढांचा विकास नूं उत्साहित किया जाना चाहिए है। नवी दिल्ली में कल राष्ट्रीय उच्चतर सिक्ख्या अभियान रूसा की समीक्षा मीटिंग की प्रधानगी करदिया निशंक ने कहा कि सिक्ख्या स्थानक तौर पर रुजगार देने वाली होनी चाहिए है और डिग्री कालजा में सिक्ख्या एक जिला एक उत्पाद नाल जोड़िया जाना चाहिए है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वह रूसा योजना मजबूत कर 3.5 करोड़ वाधू विद्यार्थियों सिक्ख्या देन योजनावां बनाउण। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रूसा योजना अधीन फंड हासिल करने वाली संस्थावां की कारगुजारी की निगरानी करेगा तो हर 3 महीने बाद इस योजना की समीक्षा की जाया करेगी। जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रिंसीपल डायरैक्टर जनरल वजो अहुदा संभाल लिया है। भटनागर 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी ने अते इस तो पहला दूरदर्शन समाचार अते दूरदर्शन की व्यापारक विक्री अते मार्केटिंग डिवीजन के मुखी वजो काम कर चुके हैं। भटनागर पछमी एशिया लई प्रसार भारती के विशेष प्रतिनिधि वजो भी सेवा निभा चुके हैं अते आल इंडिया रेडियो की समाचार डिवीजन के मुखी भी रह चुके हैं। उन्हां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के रजिस्ट्रार वजो भी सेवा निभाई है अते प्रेस सूचना ब्यूरो विच वख-वख अहुदियां ते रह के संस्था की अगवाई की है। उन्हां कुलदीप सिंह ततवालिया की जगह लई है जो पिछले महीने 28 फरवरी सेवा मुक्त हो गए सन। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आगे तो नमस्कार।